आप जो है एंट्री करने वाली है म्यूजिक वीडियो में, तो क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड है और थोड़ा सा म्यूजिक वीडियो के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। वेरी एक्साइटेड बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट पंजाबी म्यूजिक वीडियो। इसके पहले मैंने खुद गाया है, फिर शान के साथ म्यूज़िक वीडियो किया सुरीली, फिर मंत्री धामी जो बॉलीवुड सिंगर है उनके साथ मैंने म्यूज़िक वीडियो किया, बट पंजाबी म्यूज़िक वीडियो नहीं किया है। सो दिस इज़ अ लिटिल एक्साइटिंग फॉर मी। एंड नीलम बत्रा जी इज़ द सिंगर एंड द प्रोड्यूसर एंड शी सांग इट विद शाहिद मालिया हु इज़ वेरी वेरी पॉपुलर सिंगर ऑफ बॉलीवुड, जिन्होंने उड़ता पंजाब का गाना गाया एक कुड़ी। So a very nicely sung, very nicely picturized. बहुत मज़ा आया पिक्चराइज करते वक्त भी। I think interesting ये होगा कि location was very interesting. We shot in the outskirts of Pune and Wai. Beautiful locations like एक मराठा वाड़ा है वहाँ पे, जहाँ पे बाजीराव मस्तानी के गाने शूट हुए हैं। ब्यूटिफुल हेरिटेज प्रॉपर्टी, इवन जादवगढ़ फोर्ट जो पूना में है, शिवाजी महाराज का फोर्ट है, वी शॉट देयर। द सॉन्ग इज़ अ बिट ऑफ अ पैथोस, इट्स अ बिट ऑफ अ सैड सॉन्ग, सैड रोमांटिक सॉन्ग, जहाँ पे लड़की अपने जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उन्होंने वक्त बिताया है उसको याद कर रही है, समवेयर शी इज़ मिसिंग हिम। सो इट्स अ वेरी नाइस वीडियो शॉट बाई, डायरेक्टेड एंड कोरियोग्राफ बाई फिरोज़े खान, and we had lots of fun shooting it and I shot with Aryan who's also a budding actor. Any particular reason to doing this music video special? Well, T series ka music video hai, Punjabi music video hai, gana bahut catchy hai, very nice dhun melody, beautiful melody, and of course Shahid Malia is singing, so I was excited to shoot for it and I'm very happy that the outcome is beautiful. You can see it on the screen being projected here. I'm not seeing the music video. I've just entered and I'm very keen to see what the music video is going to look like. Okay, iske alawa thoda sa ek alag sawal janna chahunga, Tanushree Dutta and Nana Patekar ki jo controversy chal rahi hai, as a film fraternity ka hissa aap kya kehna chahenge aur any opinion you would like to share with us? It's a very individual, very personal incident, and if we hear it the way she has portrayed it, then it's very unfortunate if she has faced something like this. मेरी सिस्टर फिल्म इंडस्ट्री से है, शी इज़ नेवर फेस्ड एनीथिंग लाइक दिस, सो इट्स अ वेरी इंडिविजुअल केस। तो सिंस आई डोंट नो मच अबाउट इट, आई वुडंट रियली बी एबल टू कमेंट ऑन इट, बट इफ शी इज़ रियली फेस समथिंग लाइक दिस देन इट इज़ अनफॉर्चुनेट। कुछ फॉलो किया मैंने इस बार, क्योंकि अनूप जलोटा जी को मैं जानती हूँ, लास्ट टाइम उनके साथ दो तीन प्रोग्राम्स में आई वॉज देयर, सो आई वॉज़ वेरी कीन टू सी हिज पेयरिंग, यू नो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ बिग बॉस। एंड कुछ फॉलो किया मैंने, ज़्यादातर फॉलो नहीं कर पाई। और वो रिलेशन अभी ब्रेक भी हो चुका है, कुछ मिस्ट्री है उसके पीछे, यू नो लोग बोल रहे हैं कि शायद इट्स ऑल मेड अप, some people are saying it's not made up, some people say it's a publicity gimmick, some say it's not, so I'm also as curious as the, you know, the layman sitting out there and watching television, but ha jodi kafi interesting hai. Ab tak ke liye Anup ji. Yeah, thank you. रेडी ओके। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह का म्यूजिक है और म्यूजिक के लिए क्या ब्रीफ किया गया था आपको, अगर उस बारे में? म्यूजिक के लिए जो ब्रीफ था वो बहुत सिंपल और बहुत ये था हमारा कि हम एक रोमांटिक और बहुत अच्छे नंबर के साथ आना चाह रहे थे,
और क्योंकि जो फीचर हुआ है नीलम बत्रा और शाहिद ने भी गाया है इसमें, शाहिद माल्या ने, तो नीलम की वॉइस को जो सूट करता हो और वो बहुत वर्सेटाइल बहुत अच्छी सिंगर है, तो हमने यही सोच कर ये नंबर रिकॉर्ड किया था और हमें नहीं पता था कि हम यहाँ तक, हमने जो शुरू कर दिया था, बट ऑल द ब्लेसिंग ऑल अच्छी टीम के साथ ये अच्छा नंबर एक आया है और मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को सबको अच्छा लगे। बॉलीवुड में बहुत सारे सिंगर हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं अपने अपने जॉनर्स में, सब अच्छा गा रहे हैं। सोनू जी हैं, रुक कुमार राठौड़ साहब हैं, हरिजीत अफकोर्स है, और भी बहुत अच्छे सिंगर हैं, के बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो बहुत अच्छे सिंगर हैं और उनके साथ भी हम और भी नए नंबर्स के साथ आ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोग सब आए उसके लिए शुक्रिया। नेक्स्ट एक और टीसी से और एक नंबर हमारा आ रहा है जो जल्दी रिवील करेंगे, अच्छी टीम है, अच्छा है गाना, आप लोग ज़रूर पसंद करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। जैसे आप सब जानते हैं कि ये वीडियो के डायरेक्टर KFC हैं, फिरोज भाई हैं, फिरोज भाई और KFC तो मेरा नाम ही है, ये तो खान फिरोज कोरियोग्राफर था, अभी क्रिएशन हो गया क्रिएटिविटी नॉन फॉर क्रिएटिविटी तो ज़रूरी थोड़ी है इस पर। इस म्यूजिक वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे और कैसे इस म्यूज़िक वीडियो के बारे में क्या, पहले तो इन्होंने बहुत अच्छा म्यूज़िक बनाया, म्यूज़िक सुनाया, हमें पसंद आया म्यूज़िक। तो जो सिंगर है इसमें नीलम जी फर्स्ट टाइम इनका ये पहला वीडियो है, तो उनको सॉन्ग भी पसंद आया क्योंकि उन्होंने एक गाना लिखा हुआ था, इनके हाथ ने म्यूज़िक दिया, इन्होंने बनाया उसको इतनी खूबसूरती दी है, तो हमने सोचा कि इसमें क्या किया जाए, तो फिर कोई एक इंडियन फेस चाहिए था हमें, तो हम लोग काफ़ी चीज़ें, जैसे दिनेश करके इसका कास्टिंग डायरेक्टर है, तो दिनेश को हमने काफ़ी फ़ोटोज़ उन्होंने दिखाया हमें, तो उसमें हमें कृतिका जी काफ़ी सूटेबल लगी क्योंकि ये सैड सॉन्ग है, करेक्ट फेस मिल गया। हाँ, सैड सॉन्ग है और करेक्ट फेस मिल गया हमें। फिर उसके बाद में आर्यन को हमने कास्ट किया, आर्यन भी एक न्यू फेस है, उन्होंने भी एक मूवी की है और इनका ये पहला एल्बम है। बस इसी तरीके से वीडियो काफ़ी अच्छा शूट हो गया, हम पहले जोधपुर गया मैं लोकेशन देखने, देन फिर उदयपुर गया मैं, आफ्टर दैट हमने प्लान किया, फिर हमने महाराष्ट्र में शूट किया इसको, पूना में हमने शूट किया, काफ़ी अच्छा डिफरेंट लोकेशन है, इसकी स्टोरी भी अच्छी है और आप लोग अभी देखेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे बहुत प्यार दें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड गुड ह्यूमन बींग ये प्रीतिका है और ये पहला एल्बम है, ये शुरुआत है, आप जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्रेडिक्शन है कि आप ज़रूर इन्हें हिंदी फिल्म और पंजाबी फिल्म में भी देखेंगी। शी इज़ नॉट ओनली अ ब्यूटिफुल गर्ल एंड अ ह्यूमन बींग, शी इज़ अ ब्यूटिफुल एक्ट्रेस एंड मैं इनसे मिलने से पहले आई वॉज अ फैन ऑफ हर वर्क एंड मैंने इन्हें बताया जब मिला कि यू नो आई लव्ड योर वर्क इन योर सीरियल्स, सो ऑल द बेस्ट टू हर एंड मेनी मोर टू कम। चर्चा इस बात की है कि क्यों नहीं है TRP, क्यों नहीं है अच्छे कंटेस्टेंट्स, बहुत सोच समझ के जोड़ी का जो है ये सीज़न बनाया है, बट जोड़ी ये कपल्स का हो सकता था, लेस्बियन कपल्स का हो सकता था, सास बहू का हो सकता था, यू नो लिव इन रिलेशनशिप में कोई है उनका हो सकता था, जीजा साला हो सकता था, ये पुलिस ये और बिजनेसमैन फार्मर कोई दिख नहीं रहा है एंड एवरीबडी सीम्स टू बी अ कॉपी ऑफ समबडी फ्रॉम द प्रीवियस सीजन, सो एंड सब रेडी हो क्या है कि हमें खेलना है, दिखना है एंड पीपल आफ्टर गेटिंग नॉमिनेटेड आर सेइंग कि हम तो आ रहे हैं ना ओप्पो के उसमें आ रहे हैं, दिख गए एंड सारे के सारे शिल्पा के तरह या मेरे तरह जाके किचन में रह जाते हैं, किचन में रहने से कोई नहीं जीतता है, यू हैव टू प्ले, यू हैव टू बी ऑलराउंडर लाइक शिल्पा और हिना और विकास, सो दैट वे चर्चा करेंगे बिकॉज बहुत सारे वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होने वाले इस बार। सर आपको अगर अंदर ले जाए तो आप ऐसी कौन सी चीज़ें जो चेंज करना चाहेंगे इस साल?
आई विल एक्चुअली वॉन्ट टू लिव इन दैट हाउस फॉर अ वीक एट लीस्ट, बिकॉज वो घर कुछ नहीं बदला है, सिर्फ डेकोर बदल गया, रंग बदल गया, थीम बदल गया है, इट्स आर हाउस, नहीं तो हर सीजन में बदलते रहते हैं. आई विल लाइक टू लिव विद देम एंड टेल देम वॉट कैन यू डू दैट आई हैव नॉट डन, आई एम रिग्रेटिंग दैट आई कुड हैव डन सो मच इन माई सीजन, एंड अच्छाई के कारण निकल गया, बट हाँ मैं थोड़ा और बेहतर कर सकता था तो शायद जाके वो रेक्टिफाई करूँगा. विचित्र जोड़ी जो है इस सीजन का थीम है. आई थिंक आउट ऑफ ऑल द जोड़ीज अनूप जी और जसलीन जी का जोड़ी ही विचित्र है, क्योंकि एज गैप भी है, ये गुरु शिष्य भी हैं, और बाहर जब गए थे निकलने के पहले, लाइक आने से पहले उन्होंने बोला था कि यू नो वी आर अ कपल एंड वी आर इन लव, अंदर जाके वैसे कुछ दिख नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा सा लिपस्टिक लग रहा है, पप्पियाँ लग रही हैं, दैट्स ऑल. एंड अभी तो ये भी हो गया है कि जोड़ी तोड़ दी उन्होंने. ये स्ट्रैटेजी भी हो सकता है कि अंदर जाना है, जसलीन को प्लेटफॉर्म देना है, उसके बाद अनूप जी इज ऑल फाइन बिकॉज जसलीन कैन हैंडल इट, अंदर जाने तक का था, वैसे भी हो सकता है ना. और लास्टली आपसे जानना चाहूंगा, व्हाट इज योर अपकमिंग प्रोजेक्ट इफ यू वुड लाइक टू शेयर. आई एम वर्किंग ऑन माय फैशन प्रोजेक्ट्स, आई एम डूइंग टू वेब सीरीज एंड वन शॉर्ट फिल्म, और कुछ हैं, मैं जरूर आपको बुलाऊंगा, सबको बुलाऊंगा, आइएगा जरूर. वी हैव टू अंडरस्टैंड समबडीज पास्ट, और वो घर ऐसा है कि बहुत प्रेशर होता है उस घर में, और वो पास्ट में कॉन्ट्रोवर्शियल रह चुके हैं, जैसे सलमान सर ने कहा है कि हम दोनों इससे बदतर जगह में रह चुके हैं, मतलब वी ऑल अंडरस्टैंड. सो उसके बावजूद वो एक इंटरनेशनल स्टार थे, एंड ऐसे रहना, प्रेशर में रहना, कंट्रोल करना इमोशंस को, गुस्से को, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम एट लीस्ट, बिकॉज वो खुले थे. लोग तो यहाँ पे प्रैक्टिस करके आए हैं कि रहना है बिग बॉस में, वो बड़े आज़ाद किस्म के हैं, बट सेंटिमेंटल भी हैं, बार बार पे घर से भागने की बात कर रहे हैं, बट ही इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन, सो ही शुड बी मोर टफर. आई थिंक ही इज गोइंग टू डू बेटर. व्हाट डिड यू ईट ऑन 1st of January 2017? What did you eat on 1st of January 2017? You don't remember, right? So I would not know about this thing, yaar. Abhi Big Boss chal raha hai, enjoy karte hai na. What do you think about this? Agar kisi ne galat kiya hai, to ye galat hai. Koi bhi ho. Agar hum koi bhi mudde pe nara uthate ki desh hume aisa hona chahiye, freedom of speech chahiye, to agar koi bada ya chota koi bhi galat karta, to saza milni chahiye. Agar koi jhoota aarop laga raha hai, to wo bhi galat hai. और मे बी तनुश्री वॉन्टेड टू गेट इन टू बिग बॉस, इट्स अ कम बैक, या बिकॉज नाम तो उठ रहा था, बट आई डोंट नो यार, नहीं गई तो क्या ये न्यूज़ करने से मिल जाएंगे. बिग बॉस में आने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, हाँ, यू नेवर नो, क्रिएटिंग कॉन्ट्रोवर्सी मे बी, सच्चाई भी हो सकती है, झूठ भी हो सकता है, सो एक्चुअली नो कमेंट्स, ईच टू हिज ओन. थैंक यू. सिर्फ आर्यन से सवाल पूछेगा. अच्छा सिर्फ मेरे से सवाल पूछेगा, नहीं मेरी साइड से कोई बात नहीं है, प्रतीका मैं ऑलरेडी मेरे बाइक पे चुकी हूं. इट्स वेरी ग्रेट एंड शी इज वेरी 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 गुड एक्टर. मजा आया शूट के टाइम पे? मजा तो काफी आया, बट मेरे को काफी एक्सपीरियंस भी मिला, एक्सप्रेशंस कैसे देने हैं, क्या कर रहा है, बहुत कुछ सिखाया. क्या बात है. फिरोज खान इज वेरी गुड डायरेक्टर एंड आई लव दैट, इवन इज अ वेरी गुड कोरियोग्राफर, एंड प्रीतिका इज आल्सो वेरी गुड एक्ट्रेस, एंड यू आर अ बडिंग एक्टर मॉडल. या जैसा सेट पे हमेशा बोलती थी. अच्छा, आप डेब्यू कर रहे हो, क्या सीखा आपने प्रीतिका से, अगर उस बारे में कुछ बताया. प्रीतिका का एक्सपीरियंस लिया मैंने काफ़ी. क्या बात है.
जितना भी मतलब उनका अभी तक जितना जितना एक्टिंग करी है सब कुछ करा है, तो मैं मिशन का एक्सपीरियंस गेन करता था। जो ऑब्जर्व करने की चीज़ें थी वो मैं ऑब्जर्व करता था, जो नई थी तो सिखाती थी तो मैं थोड़ा शांत हो जाता था, बट ठीक है एक्सपीरियंस और लड़े सुन लेता। बट नो डाउट काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मेरे को अच्छा ही सिखाया। रोमांटिक सॉन्ग है, कैसी केमिस्ट्री लगी आपको? आई थिंक वी द प्लेस दैट वी शॉट इन वो इतना खूबसूरत था कि अपने आप माहौल बहुत रोमांटिक था। आई रिमेम्बर एक ऐसा पहाड़ था जिस पे सबसे ऊंचे रॉक पे फिरोज जी ने हमें पत्थर वाला फिरोज जी ने बोला गो बोथ ऑफ यू गो एंड स्टैंड देयर एंड जस्ट गिव पोजेस, एंड हम दोनों सोच रहे थे अरे बाप रे हम क्या करें। एक दो बार वो स्लिप होने वाली थी बट फिर भी इसमें बहुत अच्छा शॉट था, वो सबसे अच्छा शॉट था पूरे सॉन्ग का। मैंने नहीं देखा प्रतिका की आवाज़ तो बहुत अच्छी है, मेरी आवाज़ तो सुनने से अच्छी नहीं लग रही होगी बट प्रतिका कृष्णा कम ऑन। तेरे पे एतबार करती सी मैं तेनू भूलना चाहती हूँ। गाना मेरा नहीं है, गाना किसी और सिंगर का है, उनसे गवाइए। नहीं सीरियसली बहुत अच्छा गाया, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक्चुअली मेरा डेब्यू नहीं है, मैंने इससे पहले एक मूवी भी कर रखी है, बेदाद उसका नाम है, उससे पहले मैंने एक मूवी भी करी थी सच बोल, तो एज अ डेब्यू नहीं है बट अच्छा एक्सपीरियंस था। जितना भी मैंने एल्बम करी, एल्बम में मेरा फर्स्ट टाइम है बट प्रतिका के साथ काम करके काफ़ी अच्छा था, मज़ा आया। इवन सॉन्ग भी बहुत काफ़ी रोमांटिक है, सब लोग सुनोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा और मैं चाहता हूँ कि सब लोग सुनो, लाइक करो, इज़ अ वेरी गुड रोमांटिक सॉन्ग। क्या थॉट प्रोसेस था जब ये वीडियो को आपने चूज़ किया या फिर वीडियो ने आपको चूज़ किया, क्या थॉट प्रोसेस था और क्यों चूज़ किया? चूज़ मेरे को एक्चुअली फिरोज भाई ने किया, मैंने चूज़ नहीं किया था, उन्हें मैं अच्छा लगा, बोले यार एक रोमांटिक सॉन्ग करोगे क्या, तो मैंने बोला इट्स ओके आप बोल रहे तो मैं करता हूँ, क्योंकि उनका काफ़ी नाम है, कोरियोग्राफर काफ़ी अच्छे हैं, मैंने तो गाने भी देखे सुनोना संगमरमर, वो काफ़ी अच्छा रोमांटिक सॉन्ग था, तो मैं कि उस टाइप का था थोड़ा, तो मैं कि ठीक है ओके अच्छा सॉन्ग है मैं करता हूँ, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उसके बाद। थैंक यू, तेनू भूल ना पावांगी, किस अपील की आप भूल नहीं पाएंगे? यस एग्जैक्टली, जिंदगी में ऐसा हुआ है किसी आपके साथ? हाँ ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं लाइफ में वैसे तो, क्योंकि जब कोई भी इंसान इस लाइन में आता है तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फर्स्ट टाइम होती है लेकिन आप उसको भूल नहीं पाते हो। और आई नो कि फिरोज़ ही हैज़ डन अमेजिंग जॉब, बिकॉज मैंने फिरोज़ के साथ पहले काम किया है, दो से तीन गाने किए, तो पर्दे में रहने दो और एक मनमानी सॉन्ग जो मेरा खुद का था, तो हाँ वो आई नो कि ही इज़ गोना डू गुड, एंड ऊपर से प्रतिका है, शी हैज़ डन अ गुड जॉब, एंड आर्यन ही इज़ ऑल्सो, तो आई होप कि इट्स गोना बी गुड, एंड आई नो दे गाइज विल बी रॉकिंग, सो इट्स गुड टू सी ऑलवेज। ये सबसे पहले तो गाना आता है कि हम पहले तो गाने को चूज़ करते हैं, फिर उसके बाद वीडियो पे आता है, अगर अच्छी क्वालिटी का बना रखा है गाना, या फिर इट डिपेंड्स ऑन म्यूज़िक डायरेक्टर सॉन्ग के ऊपर भी, तो इट्स जस्ट अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, आई जस्ट बिलीव इन इट, एस्पेशली व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस, तो सब चीज़ों के साथ में वो एक ही इट्स अमेजिंग। माइन इज़ कमिंग, देर इज़ वन मूवी इज़ कमिंग अप, तो उसका अभी नहीं बताऊँगी, आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट टाइम इन लोगों के बारे में बात करने आए हैं, बट हाँ एक वेब सीरीज़ कर रही हूँ जो नाम है मोना होम डिलीवरी, सो दैट्स या दैट्स इट, एंड टू थ्री सॉन्ग्स आर कमिंग। विच काइंड ऑफ गेम्स? Secret games. Yeah. So that success of that, do you think that the whole game has been changed with this unbelievable platform?
I mean, on what kind of? I mean, I didn't understand exactly. Secret games की बात करता हूँ. Secret games like the web series you're talking about. Yes. Yes, yes, yes. जैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि आज से 2-3 साल पहले जब Netflix भी नहीं था कुछ इतना ज़्यादा जोर शोर पे नहीं था डिजिटल मार्केट बट अभी बहुत ज़्यादा हो गया एंड जब से ये सीक्रेट गेम आई है एंड लव स्टोरीज देर आर मैनी स्टोरीज लाइक ऑल्ट बालाजी दे आर डूइंग रियली गुड तो उसके बाद में शायद मैनी पीपल हु दे कांट सी मूवीज़ लाइक जैसे रूरल एरियाज़ होते हैं जैसे हरियाणा हो गया राजस्थान हो गया मैनी पीपल्स दे कांट गो बट दे वॉच लाइक डिजिटली तो आई थिंक आफ्टर सीक्रेट गेम या इट्स और नंबर वन डिजिटल मार्केट थैंक यू बहुत सारे माइक आ गया ये भी छोटा पड़ गया हाँ जी ऑब्वियसली बहुत सारी बधाइयाँ देना चाह रहा हूँ मुझे पता चला है अभी शाहिद मले ने गाना गाया है और प्रीतिका राव भी है सॉन्ग में तो ऑब्वियसली बहुत सारी बधाइयाँ देना चाह रहा हूँ और इनका सॉन्ग बहुत आगे जाए यूट्यूब पे ट्रेंड करे और काफ़ी कामयाबी मिले सॉन्ग को और सब लोग पसंद करे सॉन्ग को जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल क्योंकि इतने गाने आ रहे हैं आजकल हर दिन एक गाना निकल रहा है पर काफ़ी गाने आके निकल जाते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि लोग गाने को समझे गाने को सुने और गाने को गाते रहे और गाना वायरल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यू नो आजकल काफ़ी सॉन्ग्स हो गए कलेक्शन बढ़ गया है सॉन्ग्स का और एल्बम का तो जोर चल रहा है एक्चुअली क्योंकि इतने सारे एल्बम्स आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि यू नो एल्बम्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है और शायद आपकी इस हेल्प के थ्रू गाना ऑब्वियसली बहुत आगे निकल जाएगा हाँ जी मैंने एक रीमेक किया एक्चुअली और मैं इसकी शूट करने के लिए जा रहा हूँ अगले ही हफ्ते यूरोप जा रहा हूँ जॉर्जिया और ये रिलीज़ कर रहा हूँ नवंबर के फर्स्ट वीक में जो कि मैं बहुत सारा कुछ नहीं बताने वाला हूँ पर आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है वो सॉन्ग क्योंकि वो मेरे लिए काफ़ी बड़ा सॉन्ग है लाइफ का और उसके बाद बैक टू बैक सिंगल्स निकाल रहा हूँ हर महीने और काफ़ी बहुत यही हमारा तरीका है कि हम सॉन्ग्स को निकालें उसको बहुत अच्छे से प्रमोट करें जिससे कि सॉन्ग को काफ़ी अच्छा हाइप मिले थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट साथ में यहाँ पे खड़े अरे कम नहीं हु इज गोइंग टू शूट द क्वेश्चंस ही इज द वन हु इज गोइंग टू शूट द क्वेश्चंस प्लीज यार स्टार्ट सर यार सी मैं एक्साइटेड हूँ यहाँ पर आ गया क्योंकि माय ब्रदर माय फ्रेंड फिरोज एंड ही इज़ टैलेंटेड वेरी 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 पैशनेट एंड बहुत सारे म्यूजिक वीडियो उन्होंने किए हैं आई जस्ट केम फॉर हिम मैंने अभी तक सॉन्ग देखा नहीं है तो आई विल वॉच इट एंड बट या आई एम श्योर जो भी काम किया होगा इन्होंने जितना भी जो काम जो भी कुछ किया होगा जो भी किया इन्होंने बहुत ही काबिल तारीफ होगा एंड आई ऑलवेज कॉन्ग्रेचुलेट हिम एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी व्हेन आई सी हिज न्यू एल्बम एंड न्यू सॉन्ग कमिंग अप ऑन स्क्रीन या ये तो सैड सॉन्ग है हाँ बट मैं मुझे म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता है मुझे म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मैं म्यूजिक से खुद बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ मैं गाता भी हूँ और थोड़ा बहुत कंपोज भी करता हूँ बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी भी बस वो वैसा कुछ नहीं है तो म्यूजिक मेरे मतलब मुझे आई थिंक म्यूजिक की वजह से मैं अपने आप को जिंदा रख सकता हूँ म्यूजिक इतना अच्छा लगता है मुझे तो आई एम श्योर मुझे म्यूजिक कैसा भी हो कुछ भी हो सात सुर जो है हमारे जो तरह तरह के कहते हैं ना हमें फील देते हैं तो कमाल के हैं तो आई लव म्यूजिक यार मैंने बिग बॉस 12 साल 12th सीजन हमने आज तक फॉलो नहीं किया यार आई थिंक पता नहीं क्यों मैं थोड़ा बहुत देख लेता हूँ वो भी सलमान भाई की वजह से बट कभी फॉलो नहीं किया माफ़ी चाहता हूँ मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं
अब तो चर्चा तो चलते रहेगी, चर्चा तो हर इंसान की होती है, अच्छा बुरा हो। बिग बॉस है ही ऐसा है, जितना कुछ लोगों को लगता है कि थोड़ा बुरा हम बन जाएं तो चर्चा में रहेंगे, कुछ लोगों को लगता है कि अच्छा बन जाए चर्चा में रहेंगे, तो हर किसी का तरीका अलग है। और बिग बॉस एक ऐसी गेम है, मुझे लगता है कि शतरंज की गेम है, जो बिना किसी को नुकसान और दर्द दिए अपनी रानी उठा के ले जाए, बाजी मार ले, वही बिग बॉस है और वही जीतता और वही अपने 50 और 1 करोड़ जितना भी इनाम है वो ले आता और दुनिया को जीत लेता है। सो फॉर मी इज़ दैट बिग बॉस। बहुत कुछ देखने को मिलेगा यार, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी थिंग्स आर देयर इन पाइपलाइन एंड सून एवरीबॉडी विल कम टू नो एंड दैट्स इट, नथिंग मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। शाहिद भाई हाँ जी, गाना लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, स्पेशली आप मतलब रोमांटिक सॉन्ग के लिए जाने जाते हैं और इस बार होते हैं, क्या कहेंगे सर, क्या एक्सपीरियंस था और क्या ब्रीफ किया गया? ये कौशल मेरा भाई है और दोस्त है और बहुत प्यारा कंपोज किया इन्होंने गाना और मैंने भी बहुत कोशिश की है अच्छा गाने, बहुत अच्छा गाता है आप सब। एंड गाने का नाम मैं तेनू भुलना पावांगा, मैं तेनू भुलना पावांगी, इट्स अ डुएट सॉन्ग, मेरे साथ नीलम बत्रा जी ने गाया है और मैंने नीलम बत्रा जी के साथ गाया है। सो स्वीट ऑफ हिम, स्वीट ऑफ हिम, एंड आई विश होल टीम ऑफ दिस सिंगल, इन्होंने एक्ट किया है और राशिद खान साहब हमारे दोस्त हमारे बहुत ज़रा बहुत अच्छे बहुत अच्छे कंपोजर हैं। तो कौशल के लिए आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे इस गाने के लिए। सिंगल का ट्रेंड तो अभी आया है, पहले एल्बम का ट्रेंड था, मतलब एल्बम का ट्रेंड आ गया यू कैन से, तो ये बहुत अच्छी बात है, एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक, इंडिपेंडेंट म्यूजिक जिसमें आप अपने दिल की बात अपने अंदाज में कह सकते हैं बिना किसी संकोच के और एकदम फ्रीडम के साथ, और संगीत को फ्रीडम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, फिल्मों की अलग बात है, उसमें सिचुएशंस होती हैं, तो I wish all the best for the team. Something out of the box, Anu Tirota is in Big Boss house and he is from the same fraternity of yours. How do you see him in the Big Boss house? What's your take on that? Anu Tirota in Big Boss house, somebody is representing a fraternity, single fraternity, what's your take on that? भाई का नाम शरद माल्या है, भाई का नाम शरद माल्या है, काफी अच्छा नाम है, अगर शरद माल्या के बारे में आप पूछे तो उससे भी अच्छी बात है। नहीं शायद आप जाना चाहेंगे क्या बिग बॉस? मेरे हिसाब से मुझे कोई बुलाता ही नहीं है, मैं कोशिश तो करता हूँ, मुझे कोई बुलाएगा तो मैं जरूर जाऊँगा। क्या क्या ऐसी क्वालिटी आप मानते हैं अपने अंदर कि आप जाके टीआरपी क्रिएट कर सकते हैं या आप जैसे हैं वैसे अपने आप को दिखाएंगे? अभी मन मर्जी देखिए आप, सुपर हिट सॉन्ग यस, अभी नमस्ते इंग्लैंड भी आ रही है ब्रो, बहुत अच्छे गाने हैं, तो नमस्ते डिज़नी आल्सो कि इन्होंने बहुत अच्छा लॉन्च किया है आंसर था ये, तो एक्चुअली टी सीरीज़ को भी थैंक यू बोलूँगा क्योंकि मेरा फर्स्ट जो हिट गाना था वो बाय टी सीरीज़ था, रब्बा मैं तो मर गया, और ये जो गाना है मैं तेनू भुलना पावांगी बाय टी सीरीज़, तो आई होप बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाय अब इधर आ जाइए, दोनों इधर आ। नीलम मैम, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या थॉट प्रोसेस था इस वीडियो के पीछे, और शाहिद जी की आवाज़ है तो कहीं ना कहीं एडिटिव होगा, तो क्या थॉट प्रोसेस था सबसे पहले? ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस नहीं था, इट वाज जस्ट माय फीलिंग दैट आई शेयर टू पब्लिक, और मैं चाहूँगी कि आप लोगों को सुन के अच्छा लगे जो मैंने लिखा है, जो मैंने गाया है, और जो शाहिद जी ने मेरा साथ दिया उसे गाने में, और बहुत अच्छे से गाया है, बहुत प्यारा सॉन्ग है, आप लोग देखेंगे तो शायद आप लोगों को पसंद आएगा। स्टारकास्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कृतिका है और या कृतिका ने इस सैड सॉन्ग को बहुत अच्छे से निभाया है, ही डन वेरी नाइस जॉब,
और आर्यन ने भी बहुत अच्छा काम किया है इसमें, और मैं सबसे पहले थैंकफुल हूँ मेरी फैमिली का और मेरे हस्बैंड का, जिन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे यहाँ तक लाने में, और सेकेंडली मैं आर्यन का बहुत थैंकफुल हूँ जिसने मुझे ये पाथ दिया है यहाँ तक लाने के लिए। इसके अलावा शाहिद जी की आवाज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शाहिद जी तो सुपर डुपर हिट हैं अपने आप में ही, उन्होंने मेरा साथ दिया यहाँ तक, तो थैंक यू सो मच शाहिद जी। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगी अपने गुरु जी से जिन्होंने इसमें बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है, और मैं फिरोज़ ए खान से जिन्होंने बहुत अच्छा कोरियोग्राफ और डायरेक्शन दी है, बहुत मेहनत की है इस गाने के लिए। थैंक यू फिरोज़ जी, थैंक यू शाहिद मालिया जी, थैंक यू कौशल जी, थैंक यू आर्यन, थैंक यू प्रीतिका, और होप सो आपको गाना बहुत अच्छा लगे। आप दोनों यहाँ पर वो दो लाइनें हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए, आप पहली लाइन गाइए। ओके थैंक यू। मैं तेनू भुलना चाहनी मैं तेनू भुलना पावांगी, मैं किन्ना प्यार कर दी सी तेरे ते एतबार कर दी सी, मैं तेनू भुलना चाहनी बहुत अच्छा बहुत अच्छा मेरी आवाज़ आप पोडियम में सुनिएगा माशाल्लाह। आप भी सुनाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक्चुअली मैं सो रही थी रात को एंड आई वोक अप, एक थॉट आया दिमाग में एंड आई स्टार्ट राइटिंग, तो जस्ट मेरे को जो फील आता गया और मैं इसे लिखती गई, और जैसे इसे लिखा तो बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट डे मैंने अपने हस्बैंड को सुनाया कि मैंने कुछ लिखा है, ही सेड कि दिखाओ, उन्होंने कहा बहुत अच्छा लिखा है, तो मैंने कहा मैं इसे सॉन्ग बनाना चाहती हूँ, रियली अप्रिशिएटेड ही एंड सेड कि आप बनाओ इसे। देन मैंने इस गाने को लाइक कौशल महावीर जी से डिस्कस किया, वो मेरे गुरु जी हैं, तो उन्होंने इसका मतलब कंपोज किया, म्यूज़िक दिया, फिर अच्छा लगा काफ़ी। एंड फिर मैंने आर्यन से बात करी जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने इस एल्बम में काम भी किया, जिन्होंने काफ़ी यहाँ तक आने में मेरी हेल्प की है, तो ही सेड कि चलो हम कुछ मिलके करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। देन वी स्टार्टेड ऑल दिस। इट्स लाइक कि ये ऐसे था कि जैसे लोग कई लोग पुराने थॉट्स लेके आते हैं, लेकिन आजकल की जनरेशन को देख के सारे थॉट्स कवर कर रहे हैं कि आज की जनरेशन को ये सॉन्ग कैसा लगना चाहिए, सैड भी हो, रोमांटिक भी लगे, और लगे कि अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर रहे हो हर तरीके से। तो उस तरीके से फिरोज़ भाई ने, जो मैं उनको भाई बोलती हूँ, फिरोज़ खान ने जो इसके कोरियोग्राफर और डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाया और बहुत अच्छी तरह से डायरेक्ट किया इस गाने को, बहुत अच्छे थॉट्स दिए, जो कि प्रीतिका और आर्यन ने इसमें बहुत अच्छी एक्टिंग करके और चार चांद लगा दी, और ये गाना बहुत अच्छा हो गया। शाहिद मालिया जी की आवाज़ तो है ही इसमें, उन्होंने और गा के और अच्छा किया है। एक्चुअली क्या है कि आप सिंगल्स मुझे लगता है ज़्यादा लोगों को एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि एक साथ कोई चार गानों की एल्बम इतनी आजकल के टाइम पे कोई देखता नहीं, और ये होता है कि आपने एक गाया, आप कल को नए किसी और सिंगर को लेके अपना सॉन्ग गाइए, कल को दूसरे, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट से ऐसा है कि जनरेशन जो है कि आपको लाइक करती है, कि आपके थॉट्स चेंज हो रहे हैं, सब कुछ चेंज हो रहा है, गाने के व्यूज़ चेंज हो रहे हैं, तो उस तरीके से गाने बनाने चाहिए, ना कि चार या पाँच बना के एक साथ अपने आप को बाउंड कर दो, मेरा थॉट यही है। इस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा अब नेक्स्ट सॉन्ग है जो मैंने वखरा स्वैग म्यूज़िक के साथ कर रही हूँ, वो भी पंजाबी है, दैट्स ना उसका नाम जहर है, और जो अभी मैं एक राहत फ़तेह अली खान जी के साथ कर रही हूँ वो हिंदी म्यूज़िक है, तो उसमें सारा ऑल रोमांटिक है। ऐसा है कि कुछ लोग हिंदी रोमांटिक ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ पंजाबी, तो ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट सब लोग चीज़ों में चल रही है आजकल। तो लाइफ टाइम याद रहते हैं लोगों को, और ये भी आई होप आई विश कि उतना ही हिट हो, तेनू भूल ना पावांगी। वर्ड्स ही इतने अच्छे हैं, सेंटेंसेस जो इसके लिरिक्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात ये गाना
मेरे लिए स्पेशल इसलिए और मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ बिकॉज फिरोज़ खान जो मेरे 15 साल पुराने दोस्त थे उन्होंने डायरेक्ट किया है, कोरियोग्राफी उन्हें की है. सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड. जैसे कि आपने काम किया है, देखा भी होगा, तो क्या कुछ फील किया आपने काम करने के बाद, कैसा था काम, अगर एज अ व्यूअर आप बताना चाहो? इट्स वेरी टची. यह सैड सॉन्ग, वो जो आपके जो लाइफ में जो भी गुजरा होता है वो सारी चीज़ें आपके सामने आने लगती हैं. सो मैंने बहुत कनेक्टेड फील किया और मैं भी वही सब कुछ महसूस कर रहा था. वेरी ब्रिलियंटली परफॉर्म्ड और फ्रेमिंग से लेकर सब कुछ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. आई होप ये सुपर डुपर हिट हो और सबको बहुत पसंद आए. सी एज एन एक्टर, उसके पहले आई वॉज अ डांसर जैसे कि फिरोज़ भाई हैं. तो मैं इन्हीं से सीखा हूँ डांस. और दूसरी बात, म्यूज़िक के बिना एक्टिंग अधूरी है, डांस अधूरा है. आप जो पहुँचाना चाहते हैं दूसरों तक बातें, वो म्यूज़िक के बिना अधूरी हैं. सो आई फील म्यूज़िक का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और इस गाने में बहुत ही अच्छी तरह से उभर के बाहर निकल गया. सी मैं पिछले 3 साल से आई बीन डूइंग गुजराती फिल्म्स. मैं गुजराती फिल्में कर रहा हूँ. अभी मेरी नेक्स्ट मंथ एक गुजराती फिल्म रिलीज़ होने जा रही है जिसका नाम है फैमिली सर्कस. तो जितना पण लोगों यहाँ गुजराती छे ए लोगों प्लीज़ जोवा जजो. फिल्म नो नाम से फैमिली सर्कस. एनी पहला उसके पहले आई डन लॉट ऑफ टेलीविजन शोज. सो दैट्स इट. थैंक यू सो मच एंड लव यू फिरोज भाई. कॉन्ग्रेचुलेशन. गॉड ब्लेस यू. आर्यन इज फिनिश्ड बिटवीन अस, क्योंकि तुम वो आर्यन नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था. तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा मुझे बार बार इग्नोर करना इज नॉट वर्किंग आउट. आई एम सॉरी बट इट्स ओवर. How is it? That's it. Thank you, bro. Woo! Thank you, Kanga, Dinesh Bhai, Bharat Chawla, Shan, Sandy, bro. Sir, thank you so much. Yes, yes, yes. Look. What's up, guys? Start करें? Okay, प्रियंक सबसे पहले तो इस एल्बम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितने एक्साइटेड हैं इस एल्बम को? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस एल्बम के लिए बिकॉज इट्स प्रतिका का पहला एल्बम आ रहा है बाहर. एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर दिस गर्ल. फ्यू ईयर्स बैक आई रिमेंबर शी गॉट आउट विद अ सिंगल एंड आफ्टर रियली लॉन्ग शी इज बैक अगेन. थैंक्स टू टी सीरीज फॉर द सपोर्ट एंड द एंटायर टीम. सो ऑल माई बेस्ट विशेज इज विद द टीम एंड विद प्रतिका डेफिनेटली. मैं थोड़ा सा एक्चुअली अभी बहुत ज़्यादा बिल्डिंग में हो रहा बिकॉज आई एम सपोज टू श्रेड. सो इट्स अ प्रोसेस. लाइक फर्स्ट वी गेन एंड देन वी श्रेड. सो यू नो आई एम गेनिंग सो दैट मसल एंड द फाइबर्स दे बिकम इवन मोर शार्पर. सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट ऑन अ गेनिंग प्रोसेस. मेरी छुट्टियाँ चल रही है अभी तो मैं सब कुछ खा रहा हूँ यार. सो दैट्स व्हाट. मैंने पंच भी थैंक्स आई थिंक आई शुड भी थैंकफुल दैट आई एम शूटिंग बिकॉज इट्स अ ब्लेसिंग इन दिस इंडस्ट्री इफ यू आर शूटिंग इफ यू आर वर्किंग. जिसकी वजह से मैंने बिग बॉस फॉलो अभी तक नहीं किया है. मैंने एक एपिसोड देखा था वीकेंड का बार टू सी सलमान भाई एंड द एंटायर कंटेस्टेंट्स ऑल्सो वन ऑफ द यू नो इन बिट्स एंड पीसेज वेर आई एम सिटिंग विद मॉम एंड डैड. दे केम टू देहरादून टू सी द शूट. सो थोड़ा सा देखा था मैंने फॉलो किया था बट मैंने इतना रिलीजियसली अभी तक फॉलो नहीं किया. सो आई मैं कुछ बोल नहीं सकता यार. सो दैट्स व्हाट I think it's Deepika is very good. That's what I think because I might be wrong because I have not followed the season much well. Srisant sir is having his point of view. He's I feel
that you know he is just himself. Unko jo karna hai karna, nahi karna nahi karna. So he's just trying to be that. Karan sir is there. So he's playing again very, very fine, you know. I was expecting, you know, Kriti to be there for a little more longer time. But unfortunately, it's a journey again. Nahi wo aage gayi itna. So I think these are the people who are there in my mind right now coming. And I'm supporting, like, all the people. Yeah, sab achha karo. Because Bigg Boss is a platform where you do whatever. Just be positive, be dignified. Try to improve yourself. Oh, the doors will open for all of them. Because I've seen in my season, everyone is working. Most of the people are working. And I think nothing is better than that. Bigg Boss, give you that platform. Make sure that we encash it. And I'm trying to encash it. And I'm working even after the 1 year has surpassed. And I'm there throughout. So thanks to God and the Bigg Boss people for giving me that platform and opening those doors. I'm trying my best to encash it. And I hope, inshallah, all the people and contestants who are there, who wants to be in the industry, it's gonna work. Bigg Boss is that platform, I guess. Oh, Anoop sir is again one of the, like, humne unki ghazle to suni hai yaar, hum sabne. And I think it's he's spreading love and how, age difference kuch matter nahi karta. And I think he's one of those examples. So I just want to say that because I don't know what is happening much inside the show also. So that's what. Professional fund, I am coming with very good things soon. Like, not just Punch Beat, but we are definitely coming out with a lot of things. You guys will get to know that soon. I promise you all. Priyank, iske alawa kaha ja raha hai ki Bigg Boss 11 se Bigg Boss 12 ki TRP niche gayi hai. Kya kehna chahenge us bare mein? I think it's just, you know, it's about the seasons, yeah. Hamare season mein thode se bhadkile log the, mere jaise, I should be saying. But is season mein, I feel that they're more patient, they're more calm, and unko insaniyat pata hai. That's what I can, you know, say. Mere season mein thoda sa idhar udhar chale gaye the sare ke sare contestants, but this season I feel it's more classy. I think so. I might be wrong, but it's more, people are more subtle. You know, abhi tak wo us hisab se nahi aa rahe. You know, they're not fights, because my season we were just fighting and how all of us. So I think maybe agar TRP is low hai, shayad logo ko thodi si ladaiyan dekhna pasand hai, and these people are not fighting much. So I think they're doing fine, yeah. They're doing very well. That's what I feel. That's how it is. Arey, yeah. Actually, main Anubhav ki jagah baitha hua tha, because I was like just having fun with Anubhav and Suya sir, who's the director of the show. And Punch Beat is doing well. We have just finished Dehradun ka sked, and we are having fun. My fingers are crossed. We have a lot of hopes. Sami sir, me, Nikki ma'am. And Ekta ma'am, definitely thanks to her for giving us this platform, especially to me, because this is my debut and I'm the lead of the show. So a lot of pressure is there, but still I'm trying to handle it. And kahin idhar udhar kuch chala na jaye. But it's doing well. Let's see. Yaar. Inshallah, sabko pasand hai. Hamari baat. Bilkul. Tanushree Dutta and Nana Patekar ki jo controversy chal rahi hai. As a film fraternity ka hissa, aap kya kehna chahenge? Kya aapke views hai? With this controversy, I feel that when it comes to, like, I've been a great fan of Nana sir, as well, Nana Patekar sir, and I've been, you know, seen Tanushree ma'am as well. But I feel that, you know, Tanushree ma'am, a lot of people are coming ahead and support, because main us time pe present nahi tha. And I think jo bhi sachai hai sab hai, I think that's going to win. That should win. I should be saying ke agar Tanushree ma'am has the point where if she is correct or if Nana sir is correct, I hope jo bhi in dono mein se solution nikle, I hope the truth should win. That's what I should be saying, because I was not nowhere present and I've just heard things. So I don't know what's the reality and what's the not. But I definitely wish and pray to God ke, how to say, like, you know, the insaf is a big word, but definitely insaf can be, you know, it should be like the truth should win over anything else. So that's what I want to say. मैंने सुना नहीं है, तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस एल्बम, क्योंकि ये मेरी फ्रेंड ने खुद गाया है. एंड मैं बहुत दिनों से बहुत सस्पेंस में हूँ कि मुझे ये गाना बहुत दिनों से सुनना है. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि अभी प्रीमियर है और मैं ये गाना अब सुन पाऊँगा. रोडीज़ का एक्सपीरियंस जो था लाइफ में, वो ऐसा एक्सपीरियंस है, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बिकॉज इट्स अ प्लेटफॉर्म जो बहुत यूनिक है और बहुत चीज़ें ऐसी सिखा देता है जो चीज़ें नॉर्मली लाइफ में सीखने को नहीं मिलती है. एंड मैं ये बात बोलता हूँ कि रोडीज़ पे सिर्फ रोडीज़ बनने के लिए नहीं, ये एक्सपीरियंस और लाइफ को
एक नया आपको एक चीज़ प्लेटफॉर्म देता है जो एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेके चल पड़ता है आपकी लाइफ को। ओके, इसके अलावा सुरभि राणा बिग बॉस में है जो रोडीज से, क्या कहना चाहेंगे, कैसी केमिस्ट्री रही और इस साल का बिग बॉस कितना इंपॉर्टेंट? सुरभि राणा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और वैसे आपने देखा होगा रोडीज पे बहुत ज़्यादा हमारी लड़ाइयाँ होती रही, बट वो एक जर्नी थी, वो पूरी हो गई। आउट ऑफ दैट हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं एंड मुझको अनडाउटेडली मैं एक बात बोलूँगा कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है बिग बॉस में और आई वॉन्ट कि वो बिग बॉस जीते। एंड अब तक मैं जितना देख रहा हूँ जो उसने आई है बिग बॉस पे और जैसे स्टार्ट किया है उसने परफेक्ट स्टार्ट दिया है एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि वो आगे इसको और कितना ऊपर लेके जा सकती है। दे आर मैनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बट हर चीज़ मैं अभी बता नहीं सकता क्योंकि अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। सो आप बस प्रे करो, जल्दी से बहुत जगह मैं आपको दिखने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।